यहाँ पे माउस भी आ चुके हैं, लोग पिन ड्राइव भी लगा दिया, वो भी गए यहाँ पे आ चुके हैं। कीबोर्ड पे कहाँ भी क्लिक करूँ तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो। वेलकम बैक टू माय न्यू अनदर वीडियो। सो दोस्तों इस वीडियो के अंदर में गाइस आज मैं आप लोगों को बताऊंगा आप लोग रियलमी C53 फोन में गाइस आप लोग OTG कनेक्शन कैसे कर सकते हो। सो दोस्तों बहुत लोग OTG से माउस कनेक्ट करते हैं, देखिए ये माउस हो गया, आप लोग माउस भी कनेक्ट कर सकते हो। सो दोस्तों ये है OTG और गाइस आप लोग ये जो पेन ड्राइव है, देखिए आप लोग देख पा रहे हो ये जो पेन ड्राइव है गाइस ये भी कनेक्ट कर सकते हो। उसके बाद गाइस मैं आप लोग बताऊंगा आप लोग पेन ड्राइव के साथ साथ गाइस आप लोग ये जो कीबोर्ड है इसको भी गाइस किस तरह से कनेक्ट कर सकते हो, वो भी गाइस ये जो रियलमी C53 फोन में गाइस यार C53 फोन में गाइस ये सारे का सारे चीज गाइस आप लोग एक साथ कैसे कनेक्ट कर सकते हो। दोस्तों बहुत लोग एक साथ कनेक्ट करने के बाद फोन में गाइस गेमिंग भी करते हैं, ये अगर आप लोग कनेक्ट करते हो तो गाइस बहुत लोग पीरो गेमिंग भी कर सकते हैं। सो दोस्तों इसलिए गाइस मैं आप लोगों को बताऊंगा गाइस आप लोग रियलमी C53 फोन में गाइस आप लोग ये OTG कनेक्शन से ये सारे का सारे चीज गाइस आप लोग किस तरह से कनेक्ट कर सकते हो गाइस वही गाइस इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। सो दोस्तों अगर आप लोग इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं करते जल्द से लाइक करो और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से सब्सक्राइब करो। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है यूसुफली और आप देख रहे हो SM टेक्निकल। सो दोस्तों ज्यादा बकवास ना करके चले दोस्तों आज के इस वीडियो को शुरू किया जाए। तो गाइस ये है मेरे पास रियलमी C53 फोन, जैसे कि गाइस आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो। और गाइस ये है मेरे पास OTG केबल, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो OTG, ये है गाइस पिन ड्राइव जैसे कि आप लोग देख सकते हो, और ये है गाइस माउस, ये है कीबोर्ड। सो दोस्तों आज मैं सारे के सारे गाइस कनेक्ट करके दिखाऊंगा, वो भी इस डिवाइस की मदद से जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो। तो दोस्तों सारे के सारे गाइस कनेक्ट करके दिखाऊंगा। सो दोस्तों बहुत लोग क्या करते हैं यहाँ पे डायरेक्टली आके यहाँ पे घुसा देने के बाद यहाँ पे कुछ भी लगा देते हैं। लगा देने के बाद मान लीजिए मैं ये जो माउस है गाइस इस माउस को यहाँ पे मैं लगा दिया ना, यहाँ पे लगा दिया, तो गाइस यहाँ पे अभी बहुत लोग ऐसा करके बोलते हैं कि यार मेरा फोन है तो माउस सपोर्ट ही नहीं करता है, कहाँ माउस आ गया, माउस तो कुछ आया ही नहीं, तो यहाँ पे लाइट नहीं चलेगा तो माउस कैसे आ गया। मतलब आपका फोन में पहले कुछ काम कर लेना होगा उसके बाद ही गाइस आपका फोन में सपोर्ट करेगा। सो दोस्तों आपको सबसे पहले क्या करना है गाइस, आपको सबसे पहले रियलमी C53 फोन जो है गाइस जिसका सेटिंग्स एप्लीकेशन यहाँ पे चला जाना है। सो दोस्तों यहाँ पे जाने के बाद गाइस आपका जो सेटिंग है कुछ इस प्रकार का यहाँ पे दिखने को मिलेगा। गाइस यहाँ पे आपको क्या करना है गाइस, यहाँ पे आपको थोड़ा ऐसे स्क्रॉल डाउन करना है, स्क्रॉल डाउन करने के बाद गाइस लास्ट में आपको एक ऑप्शन यहाँ पे दिखने को मिलेगा जिसका नाम है गाइस सिस्टम करके, जिसके गाइस आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो। तो दोस्तों यहाँ पे आपको क्लिक करना है, उसके बाद गाइस यहाँ पे आपको एक ऑप्शन यहाँ पे दिखने को मिलेगा OTG कनेक्शन करके। सो दोस्तों ये अगर आप लोग ऑन कर दोगे तभी गाइस आपका फोन में यहाँ पे कनेक्शन होगा, अदरवाइज यहाँ पे नहीं होगा। सो दोस्तों यहाँ पे आपको क्या करना है ना, तो दोस्तों अगर आप लोग ढूंढने में तकलीफ हो रही है तो गाइस मैं आप लोगों को एक आसान ट्रिक बता दूँ। तो दोस्तों आपको सबसे पहले सेटिंग में आने के बाद गाइस यहाँ पे आपको सर्च करना है OTG, जैसे गाइस यहाँ पे मैं OTG सर्च कर दूंगा OTG, जैसे गाइस आप लोग यहाँ पे देख सकते हो OTG सर्च कर दिया और गाइस देख सकते हो OTG कनेक्शन का जो सेटिंग्स है गाइस यहाँ पे आ चुके हैं। सो दोस्तों यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो OTG कनेक्शन का जो सेटिंग्स है यहाँ पे आ चुके हैं। अभी मैं अगर यहाँ पे इसमें यहाँ पे लगाऊँ ना, सो दोस्तों आपको सबसे पहले आपको ऐसा करना है, आपको सबसे पहले बंद रहेगा। सो दोस्तों यहाँ पे ऑन करने के बाद आप लोग जैसे यहाँ पे लगाओगे ना तो गाइस देखो जादू, देखो गाइस अभी इससे मैं यहाँ पे फोन वगैरह यहाँ पर कंट्रोल कर सकता हूँ, जैसे गाइस आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो, अभी मैं माउस से फोन वगैरह यहाँ पे कंट्रोल कर पाऊंगा, जैसे गाइस आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो, जैसे गाइस आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो, इसको मैं यहाँ पे क्लोज करता हूँ, सेटिंग निकलता हूँ, जैसे कि गाइस आप लोग देख पा रहे हो इस तरह से आप लोग माउस वगैरह कनेक्ट कर सकते हो। और गाइस अगर आप लोग सोचते हो कि मैं सर के सारे चीज़ ही कनेक्ट कर दूंगा, तो दोस्तों आप लोग यहाँ पे एक एक करके तो कर ही सकते हो, उसके बाद अगर आप लोग सोचते हो कि मैं सर के सारे कनेक्ट कर दूंगा तो गाइस आपको एक काम करना होगा। सो दोस्तों आपको कुछ इस प्रकार का यहाँ पे डिवाइस लेना होगा, ये रहा हमारा डिवाइस। तो दोस्तों यहाँ पे मैं डिवाइस के साथ ये कनेक्ट कर लेता हूँ, उसके बाद ये हमारा पिन ड्राइव ये भी यहाँ पे मैं कनेक्ट कर लेता हूँ, जो कि मैं ये भी यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। उसके बाद मैं यहाँ पे गाइस यहाँ पे ये जो हमारा कीबोर्ड है गाइस इसको भी यहाँ पे हम लोग कनेक्ट कर दूंगा। अभी आप लोग बोलोगे ये सारे का सारे आपका फोन में झेल पाएगा कि नहीं, तो दोस्तों ये सारे का सारे गाइस जब मैं कनेक्ट कर दिया उसका बाद गाइस ये आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको ये जो है गाइस ये आपका OTG कनेक्शन में यहाँ पे लगा देना है। लगा देने के बाद गाइस देखो यहाँ पे देखता हूँ कि माउस आया है कि नहीं, तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे माउस भी आ चुके हैं, और गाइस देख सकते हो यहाँ पे हम लोग पिन ड्राइव भी लगा दिया, वो भी गाइस यहाँ पे आ चुके हैं। उसके बाद देखो यहाँ पे पिन ड्राइव भी आ चुके हैं। उसके बाद गाइस अगर मैं कीबोर्ड पे कहाँ भी क्लिक करूँ तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे मैं इसका लैंग्वेज वगैरह यहाँ पे चेंज कर दिया, गाइस यहाँ पे देख सकते हो गाइस ये भी ये सब भी यहाँ पे आ चुका है, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो। अगर मैं ये खोल के फिर से यहाँ पे लगा दूँ ना तो गाइस यहाँ पे सारे का कनेक्शन तो चला गया, अगर मैं यहाँ पे फिर से लगा दूँ तो गाइस यहाँ पे देख पा रहे हो ये सारे के सारे जो सेटिंग्स है गाइस यहाँ पे फिर से आ चुके हैं, जैसे कि गाइस आप लोग यहाँ पे देख सकते हो USB ड्राइव। दोस्तों अगर मैं USB ड्राइव यहाँ पे देख सकते हो गाइस ऑटोमेटिकली आपका फाइल मैनेजर यहाँ पे आ जाता है। सो दोस्तों अगर आप लोग चाहते हो कि ये जो हम लोग पिन ड्राइव लगाया है इसका कुछ अगर मैं निकलना चाहता हूँ ना तो गाइस मैं डायरेक्टली यहाँ पे फाइल्स पर चला जाता हूँ। फाइल्स पर चला जाने के बाद गाइस यहाँ पे आपको लास्ट में देखने को मिलेगा एक ऑप्शन, जैसे कि गाइस आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो कहा गया
देख सकते हो गाइस, ये तो पेन ड्राइव है, देखो ये है इंटरनल स्टोरेज है गाइस पेन ड्राइव, जो कि यहाँ पे ये है, ये पेन ड्राइव जो है गाइस 32 GB का है, देखो यहाँ पे 27 GB करके यहाँ पे आ चुका है, जो कि देख सकते हो इस पेन ड्राइव पे कितना सारा गाना है, जो कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो। तो दोस्तों आप लोग पेन ड्राइव सब कुछ यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो, जो कि गाइस ये देखो एक फोटो, ये मेरा भाई का फोटो है, जो कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो, ये जो है ये मेरा भाई का फोटो है। सो दोस्तों जो कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो, अभी मैं यहाँ से माउस भी यहाँ पे कंट्रोल कर पा रहा हूँ, जो कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहा है, मैं माउस भी यहाँ पे कंट्रोल कर पा रहा हूँ। उसके बाद गाइस देखो यहाँ पे मैं टाइप कर दे रहा हूँ, यहाँ पे मैं अरबिक सिलेक्ट कर देता हूँ। अगर आप लोग लैंग्वेज वगैरह चेंज करना चाहते हो तो गाइस मुझे कमेंट करो, जैसे गाइस मैं टाइप भी वगैरह भी कर सकता हूँ, यहाँ पे माउस भी यहाँ पे माउस से भी यहाँ पे कंट्रोल कर पा रहा हूँ। सो दोस्तों अगर आप लोग गेमिंग करते हो ना, पीसी कीबोर्ड और माउस और ये सब का मजा लेना चाहते हो तो गाइस आप लोग इस प्रकार से यहाँ पे गेम खेल सकते हो। आपको यहाँ पे फोन जो गाइस सिंपल से यहाँ पे रख देना है। और गाइस अगर आप लोग सेटिंग से ये जो OTG वाला ऑप्शन है, अगर आप लोग ऑन नहीं करते हो तो गाइस यहाँ पे सारे सारे सेटिंग्स यहाँ पे चला जाएगा। अगर आप लोग ये जो है गाइस सारे ये जो OTG कनेक्शन है, अगर आप लोग बंद करने का बात ना, ये देखिए मैं बंद कर दिया, उसके बाद जैसे मैं माउस वगैरह लगाऊंगा तो गाइस यहाँ पे कुछ काम ही नहीं करेगा, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पे देख सकते हो। अगर मैं यहाँ पे ये ऑन कर दो तो गाइस ये सारे सारे का सारे डिवाइस यहाँ पे काम करना शुरू हो जाएगा, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। यहाँ पे फिर से फाइल मैनेजर मतलब यहाँ पे फिर से आ चुके हैं, मतलब मैं अभी जो पिन ड्राइव लगाया तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे फाइल मैनेजर वगैरह आ सकते हैं। तो गाइस इस तरह से आप लोग भी गाइस Realme C53 फोन में गाइस आप लोग OTG कनेक्शन माउस सब कुछ मतलब लगा सकते हो। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हुआ, अगर हेल्पफुल हो तो इस वीडियो को अभी लाइक करो, और गाइस इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस जल्दी से सब्सक्राइब करो। दोस्तों आज का लाइक नहीं था, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।